दोस्तों, 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर बीमारी का पता चला था। उन्होंने खुद फैंस के साथ यह खबर साझा की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ही ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद जगाई है। बीमारी का पता लगने के बाद इरफान खान इलाज कराने लंदन गए थे। वहां वे करीब 1 साल रहे और फिर अप्रैल 2019 में भारत लौटे। इरफान खान का बुधवार को निधन हो गया। मंगलवार सुबह वे अपने घर के बाथरूम में गिर गए थे। इसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी कोलन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ गई थी। 54 साल के इरफान को इससे पहले न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर हुआ था। इसका उन्होंने लंबे समय तक इलाज कराया था। इरफान की हाल ही में अंग्रेजी मीडियम फिल्म रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।